6 साल पुराना फोबिया और ओसीडी हुई ठीक, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 6 साल पुराना फोबिया और ओसीडी ठीक हुई है, किस तरीके से ठीक हुई है, क्या कुछ इसके अंदर उनका सजेशन रहा जिनका ठीक हुआ है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में काफी विस्तार से बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि 6 साल पुराना फोबिया और ओसीडी ठीक हुई है। 28 वर्षीय युवक गुजरात से थे और उनको 6 साल पुराना फोबिया और ओसीडी उनकी ठीक हुई है। होता क्या है कि 6 साल पहले वह किसी काम से बस के द्वारा कहीं जा रहे थे, तो बस स्टैंड पर वह पेशाब करने के लिए चले गए। तो जैसे ही वह गए वहां टॉयलेट में, तो वहां जब वह पेशाब कर रहे थे तो उस समय उनका जो लिंग का अगला हिस्सा होता है वहां आकर के मक्खी बैठ गई। उसके बाद में उन्हें यह लगने लगा कि अब यह मक्खी बैठ गई है, अब यह मुझे नुकसान पहुंचाएगी, यह तरह तरह की बीमारियां लेकर के आएगी। उसके बाद में उसे यह लगने लगा कि यह किसी HIV वाले सफर के वहां लिंक पर बैठी होगी और आज इसने मुझे टच कर लिया, अब 2-3 साल बाद मेरा शादी होने वाला है, मेरे भी ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा। इस तरीके से उनका उधेड़बुन चलता रहा और वह बुरी तरह से इसके अंदर फंस गए और बुरी तरह से इससे प्रभावित हुए। अब धीरे धीरे उन्हें कंटेमिनेशन OCD भी होने लगी, बार बार हाथ धोने लगे, डरने लगे, चीज़ों को छूने से घबराने लगे, बार बार चीज़ों को साफ करना, हाथ धोना, घंटों नहाना और बहुत तरह की ऐसी परेशानियां उन्हें होने लगी। निरंतर इसके अंदर वह सफरिंग करते रहे, बहुत सारी परेशानियां उन्हें इसके अंदर होती रही। 90,000 के करीब उन्होंने इसके अंदर दवाई भी खाया, फिर उन्होंने ऑनलाइन हमारे से संपर्क किया। हमारे से संपर्क करने के बाद में हमें भी उसके अंदर 75 दिन का समय लगा उनको ठीक करने में, और 75 दिन के अंदर वह ठीक हो गए। अब जब उनसे बात किया गया कि कुछ अपना सुझाव दीजिए, और HIV फोबिया से जो सफरिंग कर रहे हैं, वो OCD से सफरिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे, तो उन्होंने कुछ सुझाव हमारे साथ शेयर किए। क्या सुझाव रहा? पहले तो जब उनको इसके अंदर हम ट्रीटमेंट दे रहे थे तो उन्हें इस चीज का एहसास दिलाना पड़ा कि हाँ ये चीज ठीक हो सकती है, क्योंकि यह विश्वास ही पैदा नहीं हो रहा था उनके अंदर कि हाँ ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। यह विश्वास दिलाने में बहुत सारा समय लगा। अब जब यह विश्वास हो गया कि हाँ यह ठीक हो सकता है, अब विश्वास यह भी दिलाना था कि क्या आपका भी यह ठीक हो सकता है, यह भी प्रॉब्लम थी। फिर इसका सॉल्यूशन किया गया, इसमें विश्वास दिलाया गया कि हाँ ये आपका ठीक हो सकता है। और यह सारी चीजें होती है जब आपके साइको एजुकेशन लेवल को मजबूत किया जाता है, आपको काउंसलिंग थेरेपी के माध्यम से यह चीजें बताई जाती है, सिखाई जाती है, प्रूफ दिया जाता है कि हाँ ये ऐसे ठीक हो सकता है, तो उसमें आप निरंतर प्रयास करते। फिर इसके अंदर थोड़ी थोड़ी छोटी परेशानियां आती है आपको, फिर उन परेशानियों को आप जिसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हो वह इसको हैंडल करता है, और फिर इसके अंदर आपको जबरदस्त ग्रोथ मिलता है। उसके बाद में हमने थोड़ा बहुत उनको विश्वास हुआ तो उसके लिए हमने उसको कहा कि आप जाइए मोरिता थेरेपी की प्रैक्टिस करिए। मोरिता थेरेपी का उन्होंने प्रैक्टिस किया 20 से 25 दिन और मोरिता थेरेपी से अच्छा रिजल्ट आया। मोरिता थेरेपी की प्रैक्टिस करने के बाद में उन्होंने इसके अंदर निरंतर प्रयास किया, सेल्फ हीलिंग सेशन लिए, निरंतर 5 से 7 सेशन सेल्फ हीलिंग के रहे इसके अंदर। उसके बाद में उन्होंने इसके अंदर रिकवरी कर लिया और 80% तक हमारे साथ उन्होंने ग्रोथ किया। लास्ट का जो 20% था वह उन्होंने खुद से प्रैक्टिस करके 20 से 22 दिन में ठीक कर लिया। अब उनका फोबिया और ओसीडी तो हो ही ठीक। अगला नंबर मेरा। उनका फोबिया और ओसीडी तो हो गई ठीक, अगला नंबर मेरा। अच्छा एक बात समझिए, मैंने यह सब आपको क्यों बताया? इसको बताने से क्या हो जाएगा? उनका तो ठीक हो गया, आपको क्यों बताया है? क्योंकि हम आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी भी OCD ठीक हो, हम चाहते हैं आपका भी फोबिया ठीक हो, हम चाहते हैं आपका भी डिप्रेशन ठीक हो। यदि आप भी इसके अंदर निरंतर अभ्यास करते हो तो आपकी भी OCD फोबिया एंग्जाइटी जरूर ठीक होगी, ऐसा मैं वादा करता हूँ आपसे। आप प्रयत्न करके देखिए, यदि आप खुद से इसके अंदर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी मदद लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।